Hey guys, it's Charu and welcome back to my channel. This is going to be the first haul video in 2022. Recently, na main gayi thi D Moza stores and I loved their bottom wear. They are very reasonable aur clothing ka jo material hota hai is very soft and bahut acha. Second time tha D Moza store mein, then I thought ke chalo abhi haul video bana lete. Without any further ado, let's get into the video. You guys know me, I love joggers pants, so isiliye maine na ye paar बहुत जॉगर्स पैंट लिए है. द फर्स्ट वन मैंने लिया है वेरी बेसिक ब्लैक, क्योंकि मेरे पास है ना ब्लैक कलर में अभी ना डेनिम नहीं है ना जॉगर्स है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं ये वाला ले लेती हूँ जॉगर्स, जो बहुत बेसिक है एंड इट्स अ गुड साइज एस. ये स्मॉल साइज है एंड द मटेरियल इज वेरी नॉट वेरी थिक, बट ये मीडियम है, बट इट्स अ वेरी नाइस मटेरियल. प्लस इसका लेंथ भी प्रॉपर है और बॉटम से आपको मिलेगा ये इलास्टिक बैंड, सो ये एकदम मस्त बॉडी फिट हो जाता है बॉटम से. एंड इसका जो फिटिंग है इज लाइक लाजवाब. ये पहनने पे इतना अच्छा लगता है. प्लस इट्स अ बेसिक ब्लैक, तो ये कोई भी टॉप के साथ जाएगा. सो या इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ गुड परचेज. द सेकेंड इज माई फेवरेट. लाइक ये है पूरा डाई सेट, ये है डाई पैंट. इसका प्राइस ऑलमोस्ट ना 1500 से ज़्यादा था. एग्जैक्ट प्राइस मैं मैंशन कर दूंगी, बट लुक एट दिस, ओ माई गुडनेस. ये जो पूरा डाई है ना, ये मेरा फेवरेट है. लाइक मैं ना बैंड्रा गई थी लिंकिंग रोड, वहाँ पर भी था, बट यहाँ पर ना ये जो डाई कॉम्बिनेशन है ना वैसा नहीं है. लाइक है बहुत डार्किश है, या मटेरियल में प्रॉब्लम होता है, या तो फिर इसका कलर निकलता है, बट इनके जो बॉटम है ना इनका कलर नहीं निकलता है. ये जो डाई है ना इसका कलर नहीं निकलता. प्लस इसका फिटिंग, ओ माय गॉड, ये फिटिंग भी इतना परफेक्ट आता है एंड द वेरी रीजनेबल शर्ट आता है इसके साथ डाई वाला, बट वो भी ऑलमोस्ट 800 का था, तो मैंने नहीं लिया बिकॉज इसमें ही मेरे 1500 to 1600 चले गए. या बट इट्स अ गुड परचेज. आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ वेयरिंग एट एयरपोर्ट. आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज बिकॉज डाई वाला मुझे चाहिए था. सो द थर्ड वन मैंने लिया है जैगिंस ऑलिव कलर में, क्योंकि ऑलिव कलर में मेरे पास एक बॉटम वेयर था, बट अभी वो बहुत पुराना हो गया है, तो अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ जैगिंस, क्योंकि जैगिंस कैसे होता है ना, मैं वेस्टर्न और इंडियन दोनों पे पहन लेती हूँ. प्लस द मटेरियल थोड़ा सा स्ट्रेची है, नॉट ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेची है. आई मीन अ साइज, ये भी स्मॉल ही होगा, मैं यूजुअली स्मॉल ही लेती हूँ. इसका प्राइस है 1300, बट इनका ना अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप अभी जाते हो, अभी तो वैलेंटाइन भी है, तो अभी जाते हो आप, तो आपको ये मिल जाएगा इन अ वेरी रीजनेबल रेट. आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 700 or 800 में मिल जाता है. सो इट्स अ गुड परचेज. आई लाइक द फैब्रिक, प्लस इसका फिटिंग बहुत अच्छा है एंड ये कलर बहुत अट्रैक्टिव है ऑलिव कलर में. आई गेस आप सबके पास ना एक तो बॉटम वेयर होना ही चाहिए. कभी भी जाते हो तो डू चेकआउट दिस. सो लाइक रिसेंटली आई स्टार्टेड यू नो द फिटनेस, लाइक जिम एंड एवरीथिंग. सो अगर यू आर अ फिटनेस पर्सन, वर्कआउट करते हो, तो उनके पास बहुत अच्छे कलेक्शन है फॉर द वर्कआउट. सो मैंने एक लिया ब्लैक में. मैंने सिर्फ एक रीजन के लिए ये लिया है, फॉर दिस. ये जो लियोन कलर का इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है, इट लुक सो सेक्सी. Why I choose black? Because ना ये जो material है इट्स अ थीन, ये बहुत थीन material है. So अगर आप इनर वेयर पहनते हो तो you have to make sure कि आप black color या nude color का पहनो, because ये जो बहुत stretchy material है no doubt and very reasonable. But the thing is कि ये थोड़ा see through material है, so आपको थोड़ा इनर वेयर पहनने के time पर थोड़ा सोचना पड़ता है. अदरवाइज इट्स अ गुड परचेज एंड 700 or 800 के रेंज में तो बहुत ही अच्छा है. यस इट्स 800, 799, सो ये बहुत अच्छा परचेज है. प्लस इसके साथ अगर आप लियोन कोई टॉप पेयर कर दो ना, तो लाजवाब. लाइक ये जिम में पहन के जाने को ना मजा आने वाला है. मैं तो मैंने 5 to 6 बॉटम वेयर्स लिए थे, लेकिन लास्ट मंथ भी है जो मैंने शॉप किया था डी मोजा से, जो मैंने बहुत बार पहन चुकी हूँ. सो अभी मैं वो सब कलेक्शन बताती हूँ आपको. सो ये जो है, ये है पीच कलर का कॉटन
प्लाजो, इतना प्रीटी कलर है, प्लस ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों में जाता है। और मैंने पैर किया था जब मैं JW मैरियट गई थी क्रिसमस के टाइम पे, तो से ये मेरा फेवरेट। प्लस ये कॉटन मटेरियल है, ये इतना है, एंड या मैं मोस्टली इसको वेस्टर्न वेयर के साथ पहनती। और एक प्लाजो लिया है मैंने, इट्स इन ब्लैक कलर। इसका ना द थिंग इज कि यहाँ पे फ्लेयर है, बॉटम में इसका फ्लेयर है, तो ये पूरा ना स्कर्ट वाला फील देता है। इसमें ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं थे तो मैंने सोचा कि ब्लैक ही ले लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक के साथ इसके ऊपर मैं एक वाइट और येल्लो कलर या यू नो ये टॉप भी बहुत अच्छे से जाएगा, तो मैंने सोचा कि ये वाला ले लेती हूँ मैं। बट वाला साइज ले लेती तो ये परफेक्ट हो जाता था। अदरवाइज इट्स अ गुड मटेरियल, कॉटन है, नॉट अ सी थ्रू, इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है। आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग के जिसका फ्लेयर हो, जिससे यू नो अच्छे से ऐसा पूरा लुक आ जाए और फोटो आ जाए, तो वही सोच के मैंने ये लिया था, वही सोच के। सो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, बट मुझे अभी तक एक बार भी पहनने का मौका नहीं मिला है। बट येस, इन समर समर्स में तो पहनना पड़ेगा मुझे ये। लेट्स सी मैं कैसे इसको पैर अप कर रही हूँ। बॉटम वेयर बहुत हो गया है, अब जाते हैं थोड़ा सा टॉप सेक्शन में। तो ये जो है ब्लैक कलर का मैंने लिया है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट इट्स लाइक अ क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप जो आप जिम में पहन सकते हो या योगा करते वक्त पहन सकते हो। इट्स अ बेसिक ब्लैक जिसके बाजू में ये वाइट वाइट पट्टी है। मैंने इस जिम में जाती हूँ तो मैं इसको पैर करती हूँ, बट येस यू टू वेयर स्पोर्ट्स ब्रा अंडर दिस। बट ये नॉर्मली बहुत अच्छा है, इसको ना बाहर भी स्टाइल कर सकते हैं, लाइक मैंने एक दो बार इसको स्टाइल भी किया था। एंड द सेकेंड परचेज इज दिस, ये जो है ना ये नेवी ब्लू कलर में है, इसको क्रॉप टॉप ही बोल सकते हैं। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट ये है ना नॉर्मली एक्टिव वेयर में आता है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, एंड आपको और भी कलेक्शन देखने हो गया ना, तो स्टोर के लिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं। मैं उनके स्टोर में जाके उन्हीं के कलेक्शन मैंने पहन के वीडियो बनाए थे, वो वीडियो नहीं दिखाया। सो मेक श्योर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और वो वीडियो चेकआउट करना। आई होप कि आपको उसमें भी कलेक्शन अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो गो, माई हैंडल इज फैबुलस चार। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी आई गेस हॉल वीडियो होगा। टिल देन टेक केयर गाइज, एंड बाय बाय।